हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, इस क्वेश्चंस में हम लोग 2019 के सेट नंबर फर्स्ट और सेट नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 2019 के सेट नंबर 3 को करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इस बार इसमें क्वेश्चन में एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन दे रखा है, cot इनवर्स 4/3 = x। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ cot इनवर्स 4/3 = x। cot को उधर भेजने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cot x = 4/3 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos 2x के चार फॉर्मूले होते हैं, कोई भी लगा दो हम लोग की वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो cot x को हम लोग पाइथागोरस वाली थ्योरम से लगा के यहाँ से सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास होता है लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास होता है, लेकिन ये किसका होता है, ये हमारे पास होता है टैन का। यहाँ पे क्या लिखा, कॉट का। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हमारे पास अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब कि हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से लगाएंगे तो हमारे पास ये AC की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, AC बराबर अंडर रूट 4/16 और प्लस 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमको यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस की। तो साइन एक्स बराबर हमारे पास साइन एक्स मान लेते हैं ये है, क्या होता है, तो हमारे पास वो होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, लंब बटे कर्ण होता, सॉरी लंब बटे कर्ण होता। तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास sin x की वैल्यू आ गई। अब जब cos x की निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार का मतलब बेस हो गया और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। ये दोनों वैल्यू निकल आए, इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। cos 2x बराबर ये क्या लिखा है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस का 9/25। अगर इसको सॉल्व करें तो 16 - 9 = 25, ये कितना आ जाएगा, 7/25। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे रखा है और बोला इसको सॉल्व करिए, जहां पे x एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर की बात कर रहा है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन जो दे रखा है, 3x माइनस का 5 लेस देन 5x माइनस का 3। इसमें क्या करते हैं, x वाले वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और नॉर्मल वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। हम लोग को ये 3 जब इधर आएगा तो ये 3 प्लस का सॉरी 3 ये माइनस का 5 लिखा हुआ है और लेस देन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस का 3x। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 लेस देन इज इक्वल टू 2x। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2k। तो x बराबर माइनस का 2/2, तो 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या बोला, एक वास्तविक संख्या है। तो हमारे पास माइनस वन हमारे पास एक वास्तविक संख्या है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कहां तक लाई करेगी, माइनस वन से इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है e की पावर cos x स्क्वायर का अवकलन निकालना है। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं y के टर्म में। तो e cos ये हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx और e की पावर x का dy/dx, e की पावर x होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वही चीज लगाएंगे तो हम लोग e की पावर x का, तो e की पावर x के क्या लिखा हुआ, cos x का, तो ये सेम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, cos x स्क्वायर। तो dy/dx किसका, cos x स्क्वायर का फिर से। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx = e cos x स्क्वायर। अब देखिए dy/dx
जो cos x होता है उसका होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का साइन x स्क्वायर। देखिए होता साइन x है, यहाँ पे x स्क्वायर कट हमारा, तो इसका मतलब कि हमारे पास x स्क्वायर क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू, तो d बाय dx किसका करेंगे, x स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, d बाय dx e की पावर cos x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाय dx x की पावर n वाला फॉर्मूला लगे, वो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यहाँ 2 x की पावर 2 माइनस 1, मतलब यहाँ कितना बचेगा 2 x बचेगा। तो जब इसको हम लोग सेपरेट लिखेंगे अच्छी तरीके से, तो dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 x इनटू sin x स्क्वायर इनटू e की पावर cos x स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास जो एक क्वेश्चन दे रखा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें क्या पूछा है कोटी और घात, मतलब डिग्री एंड पावर की बात, तो हम लोग दिया है क्वेश्चन को क्या किया, यहां पे क्या कर दें dy / dx स्क्वायर लिखा हुआ, और यहां पे क्या लिखा हुआ y + dy / dx की पावर 1 / 5, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं इस 1 / 5 को जो हम लोग इधर लिए हैं, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा dy / dx y स्क्वायर, और ये 1 / 5 तो ये हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा y + dy / dx। हम लोग कोटी और घात देखने के लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएट की पावर कितनी ज्यादा है, उसी के वेरिएबल को लेते हैं, तो पावर ये वाली हमारे पास ज्यादा, तो हमारे पास ये वाली डिग्री हमारे पास ज्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारे पास जो कोटी मतलब कि डिग्री की बात कर रहा है वो, और घात मतलब कि पावर, ठीक, तो हमारे पास जो डी के ऊपर पावर लगी होती है उसको बोलते हैं डिग्री, तो ये हो जाएगी टू, और जो हमारे पास ओवरऑल पावर है वो हमारे पास पावर होगी घात, तो हमारे पास ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास फर्स्ट का नया नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे हम लोग नीचे वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग sec x plus का tan x को हम लोग क्या मान ले, t मान ले, हम लोग इसको t मान लिया, क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं, तो हमारे पास sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x into tan x प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और इसका क्या होता है dt / dx, यहां से sec x को हम लोग कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या मिलेगा tan x प्लस का sec x इक्वल टू dt / dx। अब देखिए tan x प्लस sec x को हम लोग ऊपर क्या मान चुके हैं t मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा sec x और इनटू इधर वाला dx इधर हो जाएगा, जो हम लोग की वैल्यू भी है ये वाली, ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt / यहां पे क्या हो जाएगा tan x प्लस का sec x हो जाएगा, और इसको हम लोग ऊपर क्या मान चुके हैं dt / t मान चुके हैं, तो हम लोग की जो ये वाली की वैल्यू है sec x और प्लस dx, sec x into dx की वैल्यू dt / t लिख सकते हैं, तो यहां पे sec x into dx है, तो इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dt / t लिख सकते हैं, और नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास इसको हम t मान चुके हैं, तो यहां पे t into t हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर को ऊपर ले t की पावर -2 into dt, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे किसका इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, वो फॉर्मूला होता है x की पावर, ये हमारे पास होता है x की पावर n plus 1 अपॉन में n plus 1, ये हमारे पास तो प्लस का c, तो हमारे पास इसी को यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास होगा t की पावर minus 2 plus 1 अपॉन में minus 2 plus 1 और प्लस का c, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा t की पावर minus 1 अपॉन minus 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारे पास टी हो जाएगा, सॉरी तो नहीं ठीक है ठीक है, ये हमारे पास टी हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टी के प्लेस पे हम लोग जो वैल्यू लिखी थी वो हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये हमारे पास होगा, अभी हमारे पास क्या है प्लस का सी, लेकिन ये हमारे पास नीचे देखिए वेरिएबल टाइप का बना हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देगा, हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का सी, बाद में लिखेंगे यहाँ हम लोग क्या कर देंगे sec x माइनस का tan x अपॉन में sec x माइनस का tan x और प्लस का सी यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम लोग जब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे बचेगा sec x माइनस का tan x, और हमारे पास ये वाला माइनस भी तो चल रहा था साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा a plus b a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a square minus b square, ये हो जाएगा sec square x minus का tan square x और plus का c, यहाँ minus का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x और minus का
secs और अपॉन में sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और प्लस करती है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे का काम नंबर हमारे पास बोलना है कि हमारे पास a और b वेक्टर दे रखे हैं, a plus b dot a minus b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इससे पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a plus b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a minus b की निकालनी पड़ेगी, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे निकालते हैं, तो हमारे पास a plus b पहले निकालते हैं, तो a plus b सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू i plus का 3k minus का 5k और plus का 5i minus का j और minus का 3k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4k और ये हो जाएगा 8 i और प्लस 5i, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6i और 3j और ये हो जाएगा हमारे पास 2j और k की जगह हो जाएगा माइनस का 8k। ये हमारे पास आएगी a plus b की वैल्यू। a minus b वेक्टर हमारे पास कितना आएगा, i प्लस का 3j माइनस का 5k और यहाँ पे माइनस जाएगा, जहां जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5i प्लस का j और प्लस का 3k। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4i और j के साथ करेंगे तो प्लस का 4j और जब k के साथ करेंगे तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2k। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, a प्लस b और a माइनस b की। हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस b वेक्टर इनटू a वेक्टर माइनस का b वेक्टर, इसकी दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 6i प्लस का 2j माइनस का 8k और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 4i और प्लस का 4j और माइनस का 2k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 i डॉट i हमारे पास 1 हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ही माइनस तो प्लस नहीं, ये हमारे पास आएगा माइनस का 24 और प्लस का 24, माइनस प्लस कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास a plus b वेक्टर into a minus b वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन आया तो हमारे पास 0 आया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है और बोला इसको सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास dy / dx इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर / 1 plus y स्क्वायर दे रखा है। अब यहां देख रहे हैं y घटा एक तरफ कर ले और x घटा एक तरफ कर ले, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, 1 plus y स्क्वायर * dy इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर * dx। क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 plus y square into dy is equal to integration 1 plus x square into dx और दोनों का अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा integration y square into dy और is equal to यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगा dx integration x square into dx। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा y और प्लस का इसका हो जाएगा y square y cube अपॉन 3 क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 3 और अपॉन में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा x और यहां पे भी क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, सब सारी वैल्यू कर लिया तो हम लोग यहां पे लेंगे तो y माइनस का x प्लस का y क्यूब अपॉन 3 और माइनस का x क्यूब अपॉन 3 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा c हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे y माइनस जो x लिखा है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लें और ये दोनों वेरिएबल जो है प्लस का y क्यूब अपॉन 3 और माइनस का x क्यूब अपॉन 3 ये जो लिखा है, अब यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल टू c एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में हमारे पास आएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस का x और प्लस का y क्यूब माइनस का x क्यूब और पूरे का कितना हो जाएगा 3 या फिर एक काम करें 3 को उधर भेज दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा। 3c को हम लोग डायरेक्ट यहां पे c डैश निकल में भी लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या करें कि ये हमारे पास 3y - x लिखा है, यहां पे a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला लगा दें तो हमारे पास जो a क्यूब - b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a - b
ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स इज इक्वल टू सी टेस। अब हम लोग क्या करें कि y माइनस एक्स दोनों से कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर ले y माइनस एक्स को कॉमन कर ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसको सीक्वेंस में लिख दें, ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का y x, और ये 3 जो है पहले आएगा तो 3 को हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं 3 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सी टेस। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x स्क्वायर बराबर द्वारा परिभाषित fir और इज इक्वल टू ir अच्छा तक नहीं है, तो हम लोग को जो हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है f ir इज इक्वल टू ir, तो ये हमारे पास होगा प्रांत और ये होगा सरप्रांत, मतलब कि हमारे पास डोमेन हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये वेरिएबल तो पता चल गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है fx बराबर x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, अपने यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि f का जो रिलेशन है वो ir से, मतलब कि वो कोडोमेन के बराबर है, और इसका जो उप समुच्चय होगा x वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास r रिलेशन के, हमारे पास r के बराबर होगा रेंज के बराबर, मतलब परिसर के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये बता सकते हैं कि ये जो वेरिएबल आएगा तो ये हमारे पास fx मतलब जो fx की वैल्यू होगी वो y के बराबर होगी, इसके fx की वैल्यू, क्योंकि रेंज हमारे पास क्या हो गई x की वैल्यू r के बराबर, ये कंडीशन तो हमारे पास क्या होगी आच्छादक वाली होगी, आच्छादक होता है ठीक, ये वैल्यू यानी वैल्यू तो होगी। अब हम लोग को जो fx बराबर x स्क्वायर अगर इसके ग्राफ की बात करा जाए, तो इसके ग्राफ की अगर बात करा जाए तो इसका ग्राफ हमारे पास ये बनेगा ऊपर की तरफ, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, क्या ये हमारे पास वैल्यू नीचे आ सकती है, नहीं आ सकती। अगर हम लोग यहाँ पे fx की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर लिखा पे एक पॉजिटिव आ सकती है नेगेटिव आ सकती है, यहाँ पे मान लेते माइनस वन लेंगे तो क्या माइनस वन हमारे पास x स्क्वायर पे लाई करेगी, नहीं करेगी, तो हमारे पास ये fx की वैल्यू आई, तो ये हमारे पास किसका रिलेशन हो गया x r का, तो हमारे पास आच्छादक की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास को डोमेन के बराबर होती है, मतलब कि जो परिसर है वो हमारे पास सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू तो माइनस वन आए, इसकी वैल्यू माइनस वन आए, यहाँ पे fx की वैल्यू y, मतलब कि हमेशा वाली वैल्यू किसकी आएगी पॉजिटिव ही आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आ सकती है, तो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं इसको हमने x मान लिया, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू y के होगा, मतलब कि रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन के बराबर होगी, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, बस इतना ही करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, बोलता है x प्लस y की वैल्यू ये दे रखी है और x माइनस y की वैल्यू ये दे रखी है, एक बार हमको x निकालना और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो अगर हम लोग उसको प्लस करेंगे तो x प्लस y प्लस का x माइनस y इज इक्वल टू, अभी हमारे सामने भी वेरिएबल लिखा वो भी हम लोग करेंगे, तो 5 प्लस 2 9 और ये क्या लिखा है 3 6 0 माइनस, यहां पे क्या लिख रहे हैं इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, यहां पे क्या लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर, तो यहां पे जब ऐड करेंगे y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 और 3 ऐड पहली वैल्यू में और 6 और 2 यहां पे भी 8 और यहां पे 0 9 में से बन जाएगा, यहां पे भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 2 को जब इधर लेके आएंगे तो 1/2 में चला जाएगा ये 8 0 8 8 और जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू और इसका जाएगी 1/2 का डिवाइड कर देंगे अंदर तो यहां पे हो जाएगा 4 4 0 4 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा हमको क्या निकालना है y निकालना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस y माइनस का x और प्लस का y हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो हम लोग ये वेरिएबल लिखा था 0 2 9 इसको माइनस के टर्म में लिखेंगे 3 6
जीरो माइनस वन। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, फाइव में से थ्री जाएगा, कितना बचेगा टू, टू माइनस का सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का फोर, जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा, नाइन माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा टेन। अब यहाँ पे वाई बराबर यहाँ पे वन अपॉइंट टू हो जाएगा, टू जब इधर आ जाएगा तो टू माइनस का फोर जीरो और ये टेन। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वन माइनस का टू जीरो और प्लस का फाइव, ये हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये नहीं और वाई की वैल्यू ये नहीं, हमारे क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या बोला है, x बराबर 3 पर फलन fx हमारे पास ये सातत्य की जांच है, मतलब हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। तो कंटीन्यूअस चेक करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है, तो हमारे पास जो वेरिएबल दे रखा है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे x बराबर क्या दे रखा है 3, तो x बराबर 3 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, f3 की वैल्यू देगी 2 into 3 का 9 हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 मतलब कि 17, हमारे पास f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम लोग कुछ क्या चेक करना है, कंटीन्यूअस है मतलब कि f3 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों अगर हम लोग के पास इक्वल आ गए तो हम लोग की ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो बस हम लोग यहां पे चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास f3 की वैल्यू तो आ गई, हम लोग क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि दाई पक्ष सीमा बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट, क्या होगा x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि हम लोग यहां पे 3 वाले फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं, हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा fx, और यहां पे अगर हम लोग fx की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 रख लें तो यहां पे वैल्यू माइनस हो रही है, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं 3 माइनस h, तो मतलब x वाले प्लेस पे 3 माइनस h लिखेंगे। तो fx की जगह क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx से क्या लिखा हुआ 2x स्क्वायर, 2x से क्या रखना है 3 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस का, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक काम करते हैं लिमिट यहां पे पुट कर देते हैं, लिमिट जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2 * 3 का स्क्वायर, क्योंकि h तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, और जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 9 माइनस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे 18 माइनस 1 मतलब कि कितना आ जाएगा 17। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आएगी 17। इसी तरीके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई पक्ष सीमा, पाई पक्ष सीमा की बात करेंगे तो हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट एक्स की वैल्यू 3 प्लस भी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स लिमिट h tends to अगर हम लोग 0 कर दें तो 3 plus h हो जाएगा, और यहाँ पे limit h tends to 0 और fx वाले प्लेस पे क्या रखते हैं कि 3 plus h, तो हो जाएगा 2 3 plus h का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 plus 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into यहाँ पे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 बराबर 17। तो हम लोग की वैल्यू देखिए f3 की वैल्यू भी 17 आई है, इसकी वैल्यू भी 17, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास तीनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है 17 के बराबर आई है। यहाँ लिखेंगे अतः फलन सातत्य होगा, यहाँ पे फंक्शन इज फंक्शन विल कंटिन्यू, ये हमारा क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास y के टर्म पे ये वेरिएबल दे रखा है और इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल 0 होगा, तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा d स्क्वायर y / dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू दे रखी है, हम लोग ये सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे dy / dx, और यहां पे क्या हो जाएगा a cos x का होता है माइनस का sin और प्लस का sin x का क्या होगा cos x, ये हो गया एक बार d स्क्वायर y / dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे हम लोग इसको क्या लिख देंगे यहां पे दोबारा करेंगे तो ये माइनस का a बाहर हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और यहां पे cos x का क्या होगा d sin x, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं d स्क्वायर y / dx
स्क्वायर, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a cos x प्लस का b sin x। देखिए a cos x प्लस b sin x क्वेश्चन में दिया रहता है, हम लोग यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का y, हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है dy अपॉन dx स्क्वायर और प्लस का y बराबर 0, यहाँ पे हम लोग LHS वाली वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू हमारी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या थी माइनस का y और यहाँ पे क्या है प्लस का y, दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास किसके बराबर आ गई RHS के बराबर, ये हमारे पास यहाँ पे रूट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या x और y हमारे पास कर्व के दो वेरिएबल दे रखे हैं, थीटा और थीटा की वैल्यू दे रखी है और बोला थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उस पर अभिलंब की प्रवणता, मतलब कि स्लोप और टेंजेंट की बात कर रहा है, तो हमारे पास हम लोग को पता है कि जो स्लोप होता है मतलब कि जो प्रवणता होती है उसकी बात करें उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है dy / dx के बराबर होती है, ठीक, तो ये हमारे पास होता है स्लोप। अब वहां पे क्या पूछा है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला था वो था माइनस का 1 अपॉन n और यहां पे माइनस का 1 अपॉन क्या दिया हुआ dy / dx दिया हुआ और यहां पे क्या इसको जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा dx / dy, ये हो गया हमारे पास अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला। तो हम लोग को निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, हम लोग को निकालना क्या है dx / dy निकालना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक x बराबर वैल्यू दे रखी है cos क्यूब थीटा ये दे रखा है, हम लोग उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में थीटा के, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम लोग की वैल्यू क्या आएगी dx / d थीटा इज इक्वल टू a हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसका क्या होगा अब देखिए यहां पे cos क्यूब थीटा तो इसका मतलब यहां पे x की पावर n वाला फार्मूला x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx की पावर n माइनस 1 n x हमारे पास क्या है cos थीटा की पावर n माइनस 1 मतलब यहां पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, लेकिन यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास क्या है cos 2 थीटा हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू, तो हमारे पास dy d थीटा जो है वो हमारे पास cos थीटा का फिर से हो जाएगा, तो हम लोग की वैल्यू जो dx / d थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी इसको लिख सकते हैं 3 a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का हमारे पास होता है माइनस का साइन, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस माइनस को हम लोग आगे कर देंगे तो ये हमारे पास dx / d थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 a sin थीटा माइनस आगे कर देते हैं sin थीटा * cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई dx / d थीटा। अब हम लोग क्या निकालते हैं दूसरी वैल्यू हमारे पास y के टर्म में दे रखी है तो y बराबर a sin क्यूब थीटा, यहां पे भी क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy / d थीटा इज इक्वल टू a वाले लिए कांस्टेंट वैल्यू, इसमें भी वही लगेगा फार्मूला x की पावर n वाला nx की पावर n - 1 ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा और हमारे पास एक डुप्लीकेट वैल्यू तो dy थीटा किसका इंटीग्रल है sin थीटा का दोबारा होगा तो dy / d थीटा इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होता है cos थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई dy / d थीटा, हम लोग यहां पे क्या निकालना था अभिलंब की प्रवणता, तो हम लोग यहाँ पे जो अभिलंब की प्रवणता उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग जो dx / dy निकालेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन में dx की वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा माइनस का 3 a sin थीटा * cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में हमारे पास क्या दिया 3 a sin स्क्वायर थीटा * cos स्क्वायर थीटा, अब यहां 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा a से a कटेगा एक साइन से एक साइन और एक कॉस से यहाँ पे क्या होगी वैल्यू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से एक कॉस कट जाएगा तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिला हम लोग को वेरिएबल जो मिला dx / dy की वैल्यू आई वो माइनस का कॉस थीटा / साइन थीटा और कॉस थीटा / साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा और हमारे पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी थी हाँ भाई ये रही थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर रखने पर इसकी वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास dx / dy की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी माइनस का cot पाई बाई फोर और हमारे पास जो cot पाई बाई फोर ये माइनस था तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 आएगा इसकी वैल्यू dx / dy हम लोग क्या करते हैं
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो अभिलंब की जो प्रवणता है हमारे पास, अभिलंब की प्रवणता वो हमारे पास क्या थी, माइनस का dx अपॉन dy थी, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले से माइनस लगा तो ये माइनस का 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अभिलंब की प्रवणता मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हमारे पास कितना आ गया आंसर में 1 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का गा नंबर। हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है, इन पूरी वैल्यू को साथ में लेके इसको प्रूव करना है x + y + z = x y z के टर्म्स। हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं pi tan इनवर्स z को उधर भेज दो तो माइनस का tan इनवर्स z हो जाएगा यहां पे। ठीक, यहां पे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वन, यही दे रखा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस का टेन इनवर्स जेड, इस टेन इनवर्स को उधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस वाई वन माइनस का एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, उधर टेन में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। तो हम लोग को ये जो क्वाड्रेंट की बात करा जाए तो 180 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360 के वेरिएबल में होता है। तो हमारे पास 180 माइनस थीटा मतलब कि ये वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें हमारे पास क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास साइन या कॉसेक का टर्म यहां तो टैन का दे रखा तो मतलब नेगेटिव होगा, तो x + y 1 माइनस का x y मतलब कि tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा ये tan यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा tan इनवर्स z बचेगा, मतलब ये हमारे पास tan थीटा बचेगा, tan 180 माइनस थीटा हमारे पास चलेगा tan थीटा, tan और थीटा के लिए हमारे पास चलेगा tan इनवर्स और ये माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा z हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कट जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का z, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का z और माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई जेड, और जेड को उधर लिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही हमारा ये हम लोग को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का ध्यान नंबर, सिद्ध कीजिए ये हमारे पास इसके बराबर प्रूव करना, हम लोग यहाँ पे एलएचएस वाली वैल्यू को ले लेते हैं तो एलएचएस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हम लोग को वेरिएबल खत्म करना सिर्फ एबीसी के टर्म में चाहिए, पहले वाले में अगर हम लोग करें कि यहां से कुछ खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करें तीनों को माइनस कर दें, मतलब कि हम लोग क्या लिखते हैं C1 वाले प्लेस पे, ये C1 वाला प्लेस C1 वाले प्लेस पे क्या लिखते हैं C1 माइनस का C2 कर दें और इसी से माइनस का C3 कर दें, तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा A प्लस का माइनस का C माइनस का A और ये भी अंदर माइनस है तो माइनस का C हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा A प्लस का B माइनस का B और माइनस का A बचेगा, यहां पे B माइनस का B माइनस का C और माइनस का सी बचेगा, ये वाले प्लेस में क्या वही चीज बचेगी जो लिखी है सी बी और बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस सी ए और सी बचेगा। अब यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का ए और प्लस का ए खत्म, यहाँ पे माइनस का बी प्लस का ए पूरा खत्म, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ बी का खत्म होगा, इसको हम लोग सॉल्व करें कितना बनेगा सी सी माइनस का टू सी, यहाँ पे जीरो माइनस का टू सी और यहाँ पे C B B plus C और यहाँ पे A plus C और यहाँ पे A और यहाँ पे C, समझेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करें कि हम लोग 2C को कॉमन कर लें, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का वन जीरो माइनस का वन C B B plus C A plus C A C, ये बचेगा। अब यहाँ पे करें डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं इसको, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो 2C हमारे पास ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का वन ले रहे हैं हम लोग, माइनस का वन लेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, हमारे पास मल्टीप्लाई इसका किसका होगा बी का सी सी होगा तो ये बचेगा बी सी माइनस का, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा इसका होगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा ए बी और माइनस का सी ए मतलब ए सी बचेगा, ये हमारे पास ये वैल्यू बचेगा माइनस वन से देने पर, जीरो पे लेंगे तो जीरो पे तो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग माइनस का वन लेंगे फिर हम लोग माइनस का मान लेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा ये
पूरी लाइन कैंसिल हो, इसका मल्टीप्लाई से मतलब कि AC माइनस का ये हो जाएगा AB और माइनस का इसका मल्टीप्लाई से इससे निकल जाएगा BC, ये हमारे पास ब्रैकेट में करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2C यहां पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस का BC प्लस का AB और प्लस का AC, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का AC प्लस का AB और प्लस का BC, ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का AC होगा ये वाला, ठीक। तो जो जो वैल्यू कट रही है इसको हम लोग काट देते हैं, हमारे पास माइनस का BC और प्लस का BC कैंसिल हो और प्लस का AC और ये कैंसिल हो, तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचा, हमारे पास बचा है सिर्फ 2C और ब्रैकेट के अंदर बचा है AB और प्लस का AB मतलब कि 2AB, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4ABC, यही हम लोग को प्रूव करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आगे का क्वेश्चन है, बोलना बेडरूम फाइंड आउट करिए मतलब कि इनवर्स फाइंड आउट करना। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे a की वैल्यू दे रखी है a बराबर 1 2 2 -1, हम लोगों को फाइंड आउट करना है a, इसका फार्मूला होता है 1 / mod a into adjoint a, ये वैल्यू निकालनी सबसे पहले mod a निकालना पड़ेगा, तो mod a हमारे पास क्या आएगा, यहां पे प्लस कॉमन लेंगे तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, यहां पे माइनस 1 बचेगा और यहां पे माइनस का 2 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5, हमारे पास मॉड a की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। हम लोग का एडजॉइंट ए निकालना, उसके लिए a11 a12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस की होगी a12 की जो वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, a21 की वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस की होगी, क्योंकि हमारे पास ये प्लस माइनस प्लस चलता है, और ये a21 की वैल्यू माइनस हो जाएगी इसलिए माइनस हो गया। यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमारे पास हो जाएगी a12 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और यहां पे हो जाएगा a22 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, इसको पूरी वैल्यू सॉल्व कर लेते हो। जब हम लोग a11 की वैल्यू निकालेंगे मतलब 1 वाली केस, यहां पे कितना आएगा माइनस का 1, इसको हम लोग पूरा एक बार में कितना लिखेंगे माइनस का 1 बचेगा, यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8, पहले ये निकाल लेते हैं 8 12, तो a12 निकालेंगे तो यहां बचेगा 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 2 क्योंकि माइनस बाहर है, a21 की वैल्यू लिखेंगे a21 की वैल्यू ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहां पे बचेगा 2, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, और जब a22 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा a1, यहां पे फिर क्या निकालते हैं a' निकालते हैं, a' की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस का 1 माइनस का 2 और यहां माइनस का 2 और प्लस का 1, और इसी तरीके से जब एडजॉइंट a निकालेंगे तो एडजॉइंट a की वैल्यू ये वैल्यू पलट जाती है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1 पलटने के बाद भी हमारे पास सेम वेरिएबल मिला है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहां पे क्या करेंगे a डैश को a इनवर्स को निकालना, तो फार्मूला होता है 1 / mod a into adjoint a, तो mod a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी निकली है माइनस का 5, तो यहां पे हो जाएगा 1 / माइनस का 5, और हमारे पास जो वेरिएबल निकला है वो हमारे पास adjoint a की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास डिवाइड वाले फॉर्म में चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 2/5, और ये माइनस है तो माइनस का 1/5, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस की वैल्यू, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का खा नंबर, हमारे पास y के टर्म में एक वेरिएबल दे रखा है dy / dx निकालना है, dy / dx निकालने के लिए कोई भी फॉर्म हमारे पास टाइप के लिखते हैं, यहां पे इसका मतलब log लेना पड़ेगा, यहां पे क्या करते हैं टेकिंग log बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में log लेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा log y is equal to log x की पावर x cos x, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे एक फार्मूला होता है log n की पावर n वाला फार्मूला होता है, उसको क्या लिखते हैं n log n लिख देते हैं, तो हम लोग यहां पे यहां यही चीज करेंगे, तो log y is equal to ये हो जाएगा x cos x into log x, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो log y का होगा 1 / y, लेकिन y हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू की कंपोज x के रिस्पेक्ट में करना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy / dx हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर ले dy / dx में x cos x जो वैल्यू आई है into log x, इसमें हम लोग इस पूरे वैल्यू को फर्स्ट मान ले और इसको हम लोग सेकंड मान ले, हम लोग इसको सॉल्व कर देते तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां हो जाएगा 1 / y dy / dx is equal to ये हो जाएगा फर्स्ट dy / dx सेकंड, फार्मूला होता है फर्स्ट सेकंड का, तो फर्स्ट dy / dx सेकंड
प्लस का सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, हमारे पास ये बनेगा। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, ये हो जाएगा x cos x into log x का होता है 1 अपॉन x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का log x। अब देखिए यहां पे फर्स्ट सेकंड फिर से लग जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट dy dx सेकंड, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x dy dx, dy dx क्या हो जाएगा, पहले जो फर्स्ट dy dx सेकंड और प्लस का सेकंड dy dx फर्स्ट, यहां पे हो जाएगा ऊपर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां बचा है सिर्फ cos x और प्लस का, यहां पे कितना बचेगा, अगर हम लोग इसको log का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x sin x into log x, और यहां पे बचेगा प्लस का cos x into log x। अब देखिए हमको क्या चाहिए था, dy upon dx के लिए यहां पे 1 upon y, तो y हम लोग उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास dy upon dx is equal to y, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा cos x minus का x sin x into log x और प्लस का cos x into log x, और यहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में दे रखी थी, y की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास, x की पावर x cos x ये दे रखी थी, और हमारे पास ये हो जाएगा cos x minus का x sin x into log x और प्लस का cos x into log x, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली उस रेखा के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर करती है, तो हम लोग को यहां पे एक लाइन बनानी पड़ेगी, इस लाइन में हमारे पास मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, और बीच वाला पॉइंट सी है, और इस पॉइंट को ये कितने पॉइंट कितने रेशियो में काट रहा है, 2:3 के रेशियो में काट रहा है, और हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे पास क्या दे रखे हैं 2, -5, 1, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखे हैं 1, 4, -6, और इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं, मतलब x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसको ये वाले जो पॉइंट है ये हमारे पास 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, इसको हम लोग मान लें m1 और इसको मान लें m2, तो हमारे पास m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, 2:3 होगी, ठीक। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लें x1 y1 z1 और इसको मान लें x2 y2 और z2, ये वैल्यू पूरी फाइंड आउट हो गई। तो अब लोग क्या करते हैं, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो विभाजन सूत्र वाला मतलब डिवाइडिंग फार्मूले को हम लोग यहां पे लगाएंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कि फार्मूला x इज इक्वल टू फार्मूला होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम लोग ये वाले फार्मूला को यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू उधर दे रखी है 1, और प्लस का m2 की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 5, तो पहली वाली वैल्यू आ गई x की। y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 x2 की बात कर रहा है, तो हमारे पास अब यहां पे क्या हो जाएगा, y के टर्म में यहां पे हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 और प्लस का यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस का 3 × 5 अपॉन में 2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 15 अपॉन में 5, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 × 2 = 7 माइनस का 7 अपॉन 5, ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। z की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, m1 z2 प्लस का m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × माइनस का 6 और हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3 × 1 अपॉन में 2 + 3, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 अपॉन 5। तो हमारे पास x, y, z के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, c पॉइंट, तो c पॉइंट हमारा क्या निकल के आया है, प्लस का 8 अपॉन 5 माइनस का 7 अपॉन 5
और गामा माइनस का नाइन अपॉन वन, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या दे रखा है, यदि पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी ए यूनियन बी 2/3 हो तो क्या घटना है, तब ए तथा बी स्वतंत्र होंगे। तो जो घटना है हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट वाली है, स्वतंत्र वाली कंडीशन पूछता है, उसका जो फॉर्मूला होता है स्वतंत्र होने का, तो वो होता है ए एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, वो होता है पी ए इनटू पी बी, कि हमारे पास स्वतंत्र की कंडीशन होती है, कि हमारे पास स्वतंत्र जब होता है तो उसके हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी अब साइलेंट बी निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस वाली वैल्यू लेते हैं, एलएचएस हमारे पास क्या दे रखा है, ए अब साइलेंट बी, तो हमारे पास जो पी ए मतलब यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी ए अब साइलेंट बी की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए यूनियन बी, ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले में आके इंक्रीमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितने दे रखी है 1/2 और प्लस का 1/3 और माइनस का 2/3 दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हमारे पास रहेगा 5 माइनस का 4/6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास पी ए एप्सिलॉन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी निकलती है 1/6, ये हमारे पास क्या था एलएचएस वाला पार्ट था। हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आरएचएस वाला पार्ट, अगर एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गए तो हम लोग की वैल्यू क्या है, परस्पर स्वतंत्र होगी, तो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन भी हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे पी ए पी ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1/2 और यहाँ पे कितना है 1/3, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1/6। हमारे पास पी ए इंटू पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 हो गई। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू 1/6 है, हमारे पास यहाँ पे इतनी चीज आ गई, हम लोग कहते हैं अतः ए अतः घटना ए व बी परस्पर स्वतंत्र होगी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सो इवेंट्स ए एंड बी इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने 2019 के सेट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, अब लोग पार्ट टू आगे की वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए जिसको भी जो भी क्वेश्चन था समझ में आया। थैंक यू सो मच।